हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर आपके लिए एक लेडीज स्वेटर का मेजरमेंट लेकर आई हूँ। मैंने पूरा चार्ट बनाया है, आप जो भी स्वेटर बनाएंगे लेडीज के लिए उसमें आप किस तरीके से फंदों का कैलकुलेशन करेंगे वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। लास्ट वीडियो को आपने बहुत पसंद किया था और उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी आए थे कि लेडीज के स्वेटर में हम फंदे कैसे लें, और इसके नेक्स्ट मैं कैलकुलेशन डालूंगी बेबीज के स्वेटर के लिए। तो वैसे तो मैं अपने वीडियोस में बताती रहती हूँ कि आपको किस हिसाब से फंदे लेने हैं, लेकिन ये अलग से एक आपके पास पूरा हो जाएगा कि आपको अलग अलग एज, मैंने यहाँ पे एज के हिसाब से नहीं, मैंने यहाँ पे साइज के हिसाब से दिखाया है। एज के हिसाब से मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये 18 अबव के लिए है। तो जैसे आप छोटे के लिए बनाते हैं तो इसमें आप इतने फंदे ले सकते हैं क्योंकि स्मॉल साइज जो आएगा वो थोड़े छोटे के लिए आएगा। तो कभी क्या होता है कि जो बड़ी एज में भी कोई जो होते हैं वो थोड़ा सा हेल्दी कम होते हैं, तो उनके लिए स्मॉल साइज बन जाता है या मीडियम बन जाता है। तो इस तरीके से मैंने साइज के हिसाब से लिया है, एज के हिसाब से मैंने नहीं लिया है क्योंकि एज के हिसाब से बताऊंगी तो आपका जो मेजरमेंट है वो खराब हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि कम एज के बच्चे भी थोड़ा सा हेल्दी होते हैं और उनके जो स्वेटर का मेजरमेंट है वो बड़ों के जितना ही आ जाता है, इसलिए मैंने साइज के हिसाब से यहाँ पे बनाया है। आप चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं और आपको पसंद आएगा तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना सकूँ बेबीज के लिए, कम एज के बच्चों के लिए। तो ये मैंने लेडीज और गर्ल्स के लिए है, ये लेडीज और गर्ल्स में आप सेम कर सकते हैं जो इस साइज में आप बनाना चाहते हैं। तो अगर आप कार्डिगन बना रहे हैं तो आप आगे की पार्ट में हाफ फंदे लेंगे जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो चलिए इसको मैं पहले बता देती हूँ। ये मैंने एक लेडीज कार्डिगन बनाया था, इसका वीडियो, ये हाफ कार्डिगन है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और नेक्स्ट मैं ये गर्ल्स का स्वेटर बनाने जा रही हूँ, इसका वीडियो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी तो आप मेरे चैनल में इसको देख सकते हैं। तो चलिए मैं पहले ये दिखा देती हूँ आपको किस तरीके से मैंने ये बनाया है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके बारे में जरूर आपको आगे बताती रहूंगी। तो चलिए इसको मैं दिखा देती हूँ कैसे मैंने ये किया है। तो देखिए साइज मैंने यहाँ पे लिखा है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और डबल एक्सेल, यानी कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। उसके अलावा जो भी आएगा आपको इससे ज्यादा ही फंदे लेने हैं। और इसके बाद देखिए बॉर्डर के फंदे मैंने यहाँ पे लिए हैं कि जो पूरा एक भाग होता है आगे का या पीछे का उसके हिसाब से ये फंदे हैं। अगर आगे के भाग में 90 हैं, स्मॉल साइज में 90 हैं, तो पीछे के भाग में भी 90 होंगे। अगर आप कार्डिगन बना रहे हैं तो ये पीछे के भाग में 90 होंगे और आगे 45 प्लस 45, यही चीज आपको ध्यान रखनी है। और लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगी कि कब आपको फंदे कम इससे और कब ज्यादा लेने हैं, तो वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो पहले मैं दिखा देती हूँ, उसके बाद देखिए मीडियम साइज में आपको 100 लेने हैं। अगर आप कार्डिगन बना रहे हैं तो आगे में आपको 50 प्लस 50 और प्लस बटन पट्टी के फंदे, हमेशा बटन पट्टी के फंदे इससे अलग होते हैं जो पीछे के भाग में होते हैं। उसके बाद लार्ज साइज में लेने हैं अगर 110 to 115, यानी कि 110 से 115 फंदे आपने लार्ज साइज के बॉर्डर में लेने हैं। इस तरीके से मैंने ये बनाया, देखिए बॉर्डर में सारे साइज में ये फंदे लेने हैं आपको, इतने सारे, ये एक्स्ट्रा लार्ज में 120 और डबल एक्सएल में 130, उसके अलावा जो बनाएंगे इससे ज्यादा आपको फंदे लेने हैं। उसके बाद बॉर्डर के बाद अगर आप बढ़ाना चाहते हैं फंदे तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इसमें आप 96 से 99 तक कर सकते हैं, और मीडियम साइज में 110 तक कर सकते हैं, लार्ज में 120 तक, एक्स्ट्रा लार्ज में 125 और डबल एक्सएल में 135। तो आगे आप इससे ज्यादा कर सकते हैं जो आप और इससे बड़ा साइज बनाएंगे। तो उसके बाद देखिए आर्म होल कटिंग 5 3 2 1 सब में वही है, देखिए 5 3 2 1 की है आर्म होल की कटिंग, सब में एक जैसी है। उसके बाद राउंड नेक में आपको कितने फंदे लेने, अगर आप गोल गला बना रहे हैं तो कितने फंदे आपको लेने हैं, स्मॉल साइज में 90 है, मीडियम में 100 है, लार्ज साइज में 112 है और एक्स्ट्रा लार्ज साइज में एक्सएल में 114 है और डबल एक्सएल में 120 है। उसके बाद वी शेप नेक जो होगा कार्डिगन में तो आप वैसे ही बनाते हैं जैसे घटाते हुए जाते हैं उसको, आर्म होल बनाने के बाद घटाते हुए जाएंगे तो वो बन जाएगा। उसके बाद अगर आप बंद वाला जो स्वेटर बना रहे हैं उसमें आपको 150 लेने हैं वी शेप गले में,
और मीडियम साइज में 160, लार्ज साइज में 165, एक्स्ट्रा लार्ज में भी आप 165 ले सकते हैं, डबल एक्सएल में 170। अब देखिए वो आप पे डिपेंड है, कभी आप नेक छोटा बनाते हैं कभी बड़ा बनाते हैं, तो उस हिसाब से ये फंदे आएंगे। वैसे इतने फंदे लिए जाते हैं। उसके बाद फुल लेंथ, पूरी लेंथ, तो एक तो आप उस हिसाब से मेजर करेंगे जिस हिसाब से हाइट होगी जिसकी भी, जिसके लिए आप बना रहे हैं, तो आप फुल लेंथ उस हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि आप आर्म होल तक पहले नाप लेते हैं नीचे से आर्म होल तक, और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना बनाना है। तो सबकी जो हाइट होती है वो अलग अलग होती है, उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो मैंने फुल लेंथ यहाँ पे पूरी जो नीचे से बॉर्डर से लेके कंधे तक की 25 इंच रखी है स्मॉल में, और मीडियम साइज में 26, लार्ज साइज में 27, एक्स्ट्रा लार्ज में 27, और डबल एक्सएल में आप अपने हिसाब से रखेंगे, ये मैंने बता दिया है 27 27। डबल एक्सएल में मैंने इसलिए नहीं लिखा है यहाँ पे क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लंबाई एक जैसी होती है, थोड़ी सी हेल्थ ज्यादा होती है बस इस वजह से। तो 26 27 तक आप इतना रख सकते हैं, उसके अलावा आपकी मर्जी। आप लॉन्ग कुछ बना रहे हैं बड़ा, तो वो आपका अपना हिसाब है। उसके बाद स्लीव्स, बाजू के फंदे, बाजू में देखिए स्मॉल साइज में आप 45 फंदे डाल सकते हैं, मीडियम साइज में 48 डाल सकते हैं, लार्ज साइज में 48 to 50 डाल सकते हैं, एक्सएल में 52 और डबल एक्सएल में 55। ये बाजू पे बॉर्डर पे फंदे हैं। उसके बाद जो टोटल आपके ऊपर बढ़ाते हुए जब आप जाते हो बाजू में फंदे, तो जो टोटल आपके फंदे हैं वो इसके जो बॉर्डर पे फंदे होते हैं किसी भी साइज के, एक साइड का जो बॉर्डर होता है, जैसे आपका फ्रंट का पूरा बॉर्डर हो गया या बैक का पूरा बॉर्डर हो गया, बैक का पूरा बॉर्डर ले लेते हैं, उसके हिसाब से आपके टोटल फंदे होते हैं बाजू के सबसे ऊपर जहां से आप कटिंग शुरू करते हैं। उसके बाद जो बाजू की कटिंग है वो कैसे आएगी, तो पहले तो आर्म होल की कटिंग होती है 5 3 2 1, सब में 5 3 2 1 ही होगी दोनों साइड से। उसके बाद जो आपकी बाजू है उसका शेप जो होता है, उसके लिए आप दो दो फंदे दोनों साइड से घटाते हुए जाएंगे। यहाँ पे मैं इसको फिर से मेंशन कर देती हूँ, ये देखिए जब आप बाजू की कटिंग करेंगे तो पहले आप आर्म होल की कटिंग कर देंगे 5 3 2 तक, और अगर आपकी बाजू की लंबाई पूरी हो जाती है कंधे तक तो आप उसको वहीं पे सारे फंदे बंद कर देंगे, और अगर नहीं होती है, और अगर आपकी कटिंग पूरी नहीं होती है तो आप दो 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 फंदे, दो 5 3 2 के बाद दो दो दोनों साइड से फंदे घटाते हुए जाएंगे जहां तक आपकी बाजू की कटिंग पूरी होगी। उससे क्या होगा, जो आपकी बाजू की शेप है वो भी आ जाएगी और लंबाई भी पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से दो दो फंदे आप दोनों साइड से घटाइए, लंबाई पूरी होते ही आप सारे फंदे बंद कर दीजिए, बस यही बाजू की आपकी कटिंग आ जाएगी। तो यही था देखिए पूरा मेजरमेंट। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट छूट गया है इसमें से आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगी इसके ऊपर, या फिर मैं आपके अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ, जैसे जैसे मैं प्रोजेक्ट बना रही हूँ वैसे वैसे बताती रहती हूँ। तो इसका मैं एक पिक आपके स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, और वीडियो के स्टार्टिंग और एंड में आपको दिख जाएगा। उसके अलावा देखिए जो ये मेजरमेंट है ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, 10 नंबर की सिलाई नॉर्मल वूल से अगर आप बनाएंगे तो यही आप बनाना है आपको। उसके अलावा देखिए क्या चीजें आपको ध्यान रखनी, सबसे पहली चीज ये है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपकी वूल मोटी है और आप बड़ी नंबर की सिलाई यूज कर रहे हैं, अगर आपकी वूल मोटी है और अगर 10 नंबर से ज्यादा की सिलाई आप यूज कर रहे हैं मोटी, 10 नंबर से मोटी, तो आप इससे कम फंदे रखेंगे, सारे साइजेस में थोड़ा कम फंदे रखेंगे। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा ढीला बुनते हैं, अगर आपका हाथ ज्यादा टाइट नहीं है, ढीला है तो औरों से थोड़ा सा ढीला आप कंपेयर करके देख सकते हैं, लोगों से जो भी बुनते हैं लोग उनसे आप कंपेयर करके देख सकते हैं, अगर आपका हाथ थोड़ा सा ढीला है तो आप इससे थोड़ा सा कम फंदे डालेंगे। अगर बहुत ज्यादा टाइट है और अगर आप कोई ऐसा डिजाइन डाल रहे हैं जो टाइट बन रहा है, थोड़ा सा सिकुड़ा सिकुड़ा सा हो रहा है, तभी भी आप थोड़ा ज्यादा फंदे डालेंगे, और अगर टाइट बुनते हैं तभी भी थोड़ा सा इससे ज्यादा फंदे आप रख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको कुछ भी चीज ऐसी होती, कई बार हमें थोड़ा सा लूज बनाना होता है, कोई थोड़ा सा एकदम फिटेड बनाना होता है, तो थोड़ा सा लूज बनाना है तो आप ज्यादा फंदे डालेंगे। बस यही चीजें आपको ध्यान रखनी है डिजाइन के हिसाब से, जैसे जाली वाले डिजाइन होते हैं वो खुले खुले बनते हैं, केबल वाले डिजाइन है वो टाइट बनते हैं, तो आपको फंदे कम ज्यादा उसी हिसाब से रखने हैं, बाकी आपका ऐसा ही बनेगा। तो इस तरीके से आपका आता है, ये देखिए पूरा मैंने इसमें यहाँ पे बनाया हुआ है।
तो ये अगर आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।